हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। साथ में लेकर एक और बेबी रिलेटेड वीडियो आप सबके लिए। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए। मैं लाती हूँ फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड बेबी रिलेटेड। अगर आपने मेरा पिछला फर्स्ट क्राई हॉल नहीं देखा है तो आकर ज़रूर देखिए। आई एम श्योर आपके लिए आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो, आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बेबी के लिए जो मैंने यूज़ करे हैं, कैसे हैं उनके रिव्यू, क्या है उसमें, अच्छा है कि नहीं है, वो सब आपको मैं बताने वाली हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो, यहाँ पर मेरे पास 7-8 आइटम्स है मामा अर्थ ब्रांड के, एंड एक एक करके देख लेते हैं ये कैसे हैं। सो, जो फर्स्ट आइटम मेरे पास यहाँ पर है वो मामा अर्थ का ईजी टमी रोल ऑन, कुछ इस तरीके का टमी रोल ऑन है। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा, बेबीज़ को बहुत ज़्यादा कॉलिक हो जाता है, गैस हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको ना अलग से दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप टमी पे रोल कर सकते हो एंड बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है। ट्राई किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नो बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट जो है हींग एंड फेनल ऑयल। सो, हींग अगेन जैसे कि पता है गैस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इंडाइजेशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है ये, जितने प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिकसाइकल करते हैं एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, क्योंकि हींग एंड फेनल ऑयल है, बच्चों के लिए कुछ भी यू नो हार्मफुल नहीं रहने वाला है, बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। इसका प्राइस है 249 रुपीज़ एंड ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही इजीली ना आप अपने बैग में कैरी कर सकते हो एंड जब भी बेबी को प्रॉब्लम हो आप इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मामा अर्थ का वो है मामा अर्थ आफ्टर बाइट रोल ऑन। ये कुछ इस तरीके का आफ्टर बाइट, सो बेसिकली अगर कोई इंसेक्ट बाइट है, कोई मच्छर ने बाइट किया है या कोई भी इंसेक्ट बाइट है, तो उसके ऊपर आप ये लगा सकते हो ताकि उनको ना इंसेक्ट बाइट से रिलीफ मिल जाए। रोमन कैमोमाइल एंड लैवेंडर ऑयल है इसमें, इचनेस और रैशेस को रिड्यूस कर देता है। अगेन इसको मैंने कपल ऑफ टाइम्स यूज़ किया हुआ है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। इनके सारे प्रोडक्ट्स मेरे सेफ़ होते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होते हैं। अगेन ये मैंने यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं इन्हों फीचर कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये भी है 249 रुपीज़ का एंड बहुत ही ईजी ऑन द गो प्रोडक्ट है। अगेन आप इन्हों ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं एंड कोई इंसेक्ट ले, मच्छर ने अगर बेबी को बाइट कर दिया तो उसके ऊपर इसको लगा सकते हो। अच्छा, बाइट से बचने के लिए भी मेरे पास यहाँ पर है मामा अर्थ का एंटी मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन। ये कुछ इस तरीके का है, मेड से सर्टिफाइड है, सेफ फॉर बेबीज। इसमें पेपरमिंट ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है, यूकलिप्टस ऑयल है। इन सब की जो, क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयल्स हैं ना, इन सब की फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली इफेक्टिव है। अगेन ये फैब्रिक के लिए, सो आपको इसको फैब्रिक पे लगाना है, स्किन पे नहीं। ऐसा ही एक ना स्किन के पे लगाने के लिए भी आता है एंटी मॉस्किटो रोल ऑन, जो आप स्किन पे यूज़ कर सकते हो, आप फैब्रिक पे या किसी और आजू बाजू की जो बेबी के आसपास की जो चीज़ है उस पर लगा सकते हो। सो अगर आप गार्डन जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं भी, या फिर घर में भी अगर ज़्यादा मच्छर है तो आप बेबी के फैब्रिक पे लगा सकते हो एंड डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा इससे। नेक्स्ट है मेरे पास मामा अर्थ का मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज़। इसमें कैलेंडुला है एंड जिंक ऑक्साइड है, SPF 20+ है, कुछ इस तरीके का है। ये है ₹150 का, मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी एंड यूवीबी रेज। सो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या फिर सन प्रोटेक्शन चाहिए तो आप इस तरीके का सनस्क्रीन बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अगेन मैंने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एक्वा, जिंक ऑक्साइड, शेयर बटर, कोको बटर, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, ग्रेप सीड, वीट ग्राम ऑयल। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है इसमें, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल है। सो ये बिल्कुल भी नो बेबी की स्किन को हार्म नहीं करेगा, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। सो अगेन मैं बता रही हूँ सारे नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये सब यूज़ किए हुए हैं इसलिए मैं इनका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट बेबी लोशन फॉर बेबीज विथ ओट्स मिल्क एंड कैनोला। 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन देता है, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है। ये कुछ इस तरीके के आपको पम्प बॉटल में मिल जाता है। मिल्की सॉफ्ट बेबी लोशन है, अगेन जैसे कि नाम है मिल्की सॉफ्ट, जो लोशन भी है वो ऐसा लगता है कि मिल्क फॉर्म में है। 0+ ईयर्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। 400 ml इसकी क्वांटिटी है एंड 399 रुपीज़ इसका MRP है। इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो शेयर बटर है, कोकोनट ऑयल है, ब्लैक ओट्स एक्सट्रैक्ट है, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट है। शेयर की बात करें तो कोई कुछ इस तरीके का
कुछ इस तरीके का आपको टेक्सचर मिल जाएगा, थोड़ा सा रनी फॉर्म में, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बट जो एक चीज़ मुझे ये नहीं पसंद आया वो है इसका मॉइस्चराइजेशन। तो ये क्लेम कर रहा है 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने इसको बेबी को लगाया था एंड अराउंड 2-3 आवर्स में इसका मॉइस्चराइजेशन जो है निकल जाता है, अगेन जो स्किन ड्राई हो जाती। सो ये एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पर नहीं पसंद आई। बाकी इसका टेक्सचर जो इसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बेबी के लिए सेफ़ है। नेक्स्ट दो चीज़ है जो मेरे पास यहाँ पर अभी नहीं है, बट वो है बेबी शैम्पू एंड बेबी वॉश। बेबी वॉश मैंने यूज़ नहीं किया, बट बेबी शैम्पू मैंने यूज़ कर लिया है, अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बेबी के लिए सूट करता है, टियर फ्री फार्मूला है, बेबी को इचिंग वगैरह नहीं होगा एंड जो है से वो अच्छे से सॉफ्ट एंड क्लीन हो जाते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट ऑल्सो। बेबी वॉश मैंने यूज़ नहीं किया है, यूज़ करने के बाद मे बी किसी और वीडियो में उसका रिव्यू शेयर कर दूँगी। सो ये थे बेबी के प्रोडक्ट्स फ्रॉम ममा अर्थ जो मैंने यूज़ करे हैं एंड उनका जेन्युइन रिव्यू शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो आपके फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले एंड सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।